हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हम इन्वर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं, आज हम करने वाले हैं सिलेंट्रेट्स को, फाइलम सिलेंट्रेटा, और इसको हम मिटेरिया भी कहते हैं। और जैसे हमने दो फाइलम पहले पढ़े थे, दो फाइलम हमने पहले प्रोटोजोन्स और पोरीफेरा हमने पढ़े थे, ये उनसे थोड़ा एडवांस्ड हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें कि ये रेडियल सिमेट्री होती है इनके अंदर, और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो सिलेंट्रेट्स में और बाकी उनमें जो है, ये जो सिलेंट्रेट्स होते हैं इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इनके अंदर दो टाइप या दो फॉर्म ऑफ बॉडी पाया जाता है। तो उसको हम देखेंगे कि ये कौन कौन से दो फॉर्म हैं जो इस एनिमल में पाए जाते हैं सिलेंट्रेट्स में, और सिलेंट्रॉन नाम की इनमें कैविटी होती है जिसके कारण इनको सिलेंट्रेटा कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इस लेक्चर में हम देखेंगे इनका क्लासिफिकेशन क्या है अलग अलग, और कौन कौन से इनके बॉडी फॉर्म्स इनमें पाए जाते हैं, अलग अलग जो इनके क्लासेस हैं और जो उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं, और बेसिक इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है किसी भी सिलेंट्रेट्स की। इसके अलावा इसमें हम एक बहुत ही अच्छा और देखने जा रहे हैं कि जो कोरल्स होते हैं, कोरल रीफ्स होते हैं, उनके बारे में भी हम एक जनरल देखेंगे कि कोरल रीफ्स कितने प्रकार के होते हैं, और वो उनके कुछ हम पिक्चर्स देखेंगे जिनके माध्यम से उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ऐसा करते हैं, हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और इसका नाम है सिलेंट्रेटा, जिसको हम निडेरिया भी कहते हैं। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं फाइलम निडेरिया, जिसको हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। ये एनिमल किंगडम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है। अगर हम इसका बेसिकली क्लासिफिकेशन देख लें पूरे एनिमल किंगडम की, तो हम देखते हैं कि जो रेडिएट्स हैं या आखिरी रेडिएट्स होते हैं निडेरिया, और टीनोफोरा भी इसके साथ में, और इसके बाद के जो ग्रुप्स हैं उनमें सारों में जो है वो बायलैटरल सिमेट्री आनी शुरू हो जाती है। तो ये मेटाजोन्स, इससे पहले जो हमने पढ़ा था प्रोटोजोन्स में, वो मेटाजोआ थे, और ये यू मेटाजोआ हैं। यूमेटाजोआ क्या होते हैं? यूमेटाजोआ वो एनिमल होते हैं जो ट्रू टिश्यू होता है जिनके पास, पोरीफेरा को छोड़ दें, क्योंकि एनिमल किंगडम बेसिकली हम लोग प्रोटोजोन्स तो कॉमन मानते हैं, प्रोटोजोन्स एनिमल और प्लांट किंगडम दोनों में कॉमन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो पोरीफेरा के बाद, पोरीफेरा अकेला ऐसा होता है जो कि आपका यूमेटाजोआ में नहीं आता है, और निडेरिया से यानी कि आपके सिलेंट्रेट से आगे जितने भी आपके फाइल आएंगे, जितने भी आपके क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जितने भी फाइलम है आपके, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो यूमेटाजोआ होते हैं, यानी कि उनके अंदर ट्रू टिश्यू पाया जाता है। और निडेरिया जो होता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रुप है इस पूरे क्लैंड में, और फॉसिल हिस्ट्री इसकी जो है तकरीबन 700 मिलियन ईयर्स अगो है। अगर थोड़ी फाइलोजेनी के बारे में और देखें इसके, तो हम देखेंगे कि जो निडेरिया है, हो सकता है इनका जो इवोल्यूशन है वो कोई सिमेट्रिकल प्लेनुला की तरह, कोई जैसे प्लेनुला लार्वा होता है आपका, इसी तरीके से किसी एंसेस्टर या किसी ऑर्गेनिज्म के माध्यम से इनका इवोल्यूशन हुआ हो, और ट्राइकोसिस्ट और टॉक्सिसिस्ट जो होते हैं, जो कुछ सीलेट्स में पाए जाते हैं, हो सकता है वो आपके नेमेटोसिस्ट जो इस फाइलम की करेक्टरिस्टिक फीचर है, हो सकता है इनका नेमेटोसिस्ट का ओरिजिन आपके ट्राइकोसिस्ट और टॉक्सिसिस्ट से हुआ हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो इनका ओरिजिन है वो पहले वाले ऑर्गेनिज्म से हो रखा है। निडेरियंस के एग्जांपल देखें कि ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये बेसिकली चार टाइप के निडेरियन आपको मिलते हैं। एक सी एनिमोन्स हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत ही सुंदर ये जीव होते हैं। हाइड्रा जेलीफिश, आप सब ने देखा ही होगा कि जेलीफिश कितनी सुंदर लगती हैं देखने में, और सी कोरल्स। जनरल करेक्टर अगर इसके शुरू करें हम, तो हम देखते हैं कि सिलेंट्रेटा का मतलब होता है हॉलो गट, हॉलो इंटेस्टाइन, यानी कि जो इंटेस्टाइन होती है वो बिल्कुल गैप हॉलो होती है, खोखली होती है। और दूसरा नाम जो इसका है वो है निडेरिया, निडेरिया का मतलब होता है नेटल या नेमेटोसिस्ट, और नीडिया जो कि एक नीडोब्लास्ट सेल से बनती है, स्पेशल सेल्स होती हैं जो नीडिया फॉर्मेशन होती है इसमें। तो ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो प्रे को पकड़ने के लिए इनका यूज होता है, अभी हम देखेंगे आगे इसको।
और अप्रोक्सीमेटली इसमें 10,000 स्पीसीज हैं, और पूरे एनिमल किंगडम में अगर हम देखें तो निडेरियंस जो होते हैं वो सिर्फ 0.6% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इनका जो नाम है निडेरिया, वो स्टिंगिंग सेल्स के कारण ये नाम आया है, जिसको कि हम नीडोसाइट कह देते हैं। नीडोसाइट कहते हैं जो पूरे के पूरे सिलेंट्रेट्स में पाए जाते हैं, जिनका काम होता है कि ये बेसिकली प्रे को पकड़ने के लिए, किसी भी अपने खाने को पकड़ने के लिए। आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये सारे के सारे जो होते हैं, जितने भी निमेटोसिस्ट हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं कार्निवोर्स होते हैं, दूसरे एनिमल्स पर फीड करते हैं। तो जो नीडोसाइट्स होते हैं उनमें जनरली स्टिंगिंग ऑर्गेनेल होते हैं, जिसको हम निमेटोसिस्ट कह देते हैं। सारे के सारे जितने भी ये सिलेंट्रेट्स होते हैं, ये सारे के सारे मराइन होते हैं ज़्यादातर, और कोरल, जेलीफिश और एनिमोन, और कुछ इसमें फ्रेश वाटर भी होते हैं, जैसे कि हाइड्रा हो गया आपका। और ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, इनको आप जो उनकी सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है। और गैसेस एक्सचेंज, यानी कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जो एक्सपिरेटरी सिस्टम है, वो इनमें एब्सेंट होता है, क्योंकि इनका माउथ और एनस वो एक ही ओपनिंग होती है, जिससे कि दोनों के दोनों इनके चलते हैं। टिश्यू लेयर अगर देखें तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दो जर्म लेयर्स होते हैं, यानी कि इनमें एंडोडर्म और एक्टोडर्म पाई जाती है। एंडोडर्म जो होती है उसको गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं, और एक्टोडर्म एपिडर्मिस है इनकी। इसके अलावा इसमें एक मीजोग्लिया भी होती है। मीजोग्लिया क्या है? एक जेलेटिनस मैट्रिक्स, यानी जेली लाइक इनका एक सब्सटेंस जो होता है, वो दो लेयर्स के बीच में पाई जाती है, जो इनका स्केलेटल सिस्टम के रूप में भी होता है, और इसका बहुत सारे यूजेस भी हम आगे देखेंगे। तो जो दो फॉर्म है इसके निडेरिया के, पॉलिप और मेडूसा फॉर्म, दो फॉर्म इसमें एनिमल में पाए जाते हैं। तो उन दोनों में अगर हम देखें तो ये बहुत कॉमन फीचर्स हैं, कि एक कॉमन ओपनिंग रहेगी जिसको हम माउथ कह देते हैं, उसको चारों ओर से घेरे हुए टेंटिकल्स होंगे, टेंटिकल्स के बाद फिर जो डाइजेस्टिव कैविटी होगी, और फिर गैस्ट्रोडर्मिस होगी, मीजोग्लिया होगी जो बीच में जेली लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपसे कहा जेलेटिनस मैट्रिक्स होती है, और एपिडर्मिस होगी। तो बेसिकली ये लोग डिप्लोब्लास्टिक हैं, और बीच में उनके दोनों दोनों जो डर्म्स हैं, जो मीजोडर्म और सॉरी जो एंडोडर्म और एक्टोडर्म, उन दोनों के बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है। बॉडी वॉल को अगर हम डिटेल से देखें तो हम देखते हैं कि जो एपिडर्मल लेयर है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, जो मिलकर एक टिश्यू के फॉर्म बनाते हैं इनको, इसलिए इसको ट्रू टिश्यू इस पर फॉर्मेशन होती है। और जो बाहर की सरफेस है बॉडी की, उसके अंदर आपकी एपिथिलो मस्कुलर सेल्स होते हैं और न्यूरोसेंसरी सेल्स होते हैं। इसके अलावा उसके अंदर एपिथिलो मस्कुलर सेल्स बेस कंटेनिंग कॉन्ट्रैक्टाइल मायोफाइब्रिल्स होते हैं, और नर्व सेल्स भी इसके अंदर पाई जाती हैं। तो बॉडी प्लान के बारे में देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें दो टाइप के बॉडी प्लान्स पाए जाते हैं, पहला है मेडुसा फॉर्म और दूसरा है पॉलिप फॉर्म। इन दोनों में बच्चों हम डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि मेडुसा फॉर्म जो होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, और इसमें वीक कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से ये मूवमेंट करता है, और ये बेल शेप्ड होता है, यानी कि गुंबद आकार कह सकते हैं, या अम्ब्रेला की शेप का ये होता है। और माउथ और टेंटिकल्स जो होती हैं वो स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं, और डाउनवार्ड्स होती हैं, नीचे की तरफ होती हैं। और जो इसमें बहुत सारा मीजोग्लिया होता है, यानी कि जेली लाइक जो सब्सटेंस है मैट्रिक्स जो मैंने आपको बताया था, तो वो बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर। इसके अपोजिट में अगर हम पॉलीफॉर्म को देखें तो ये ससाइल होता है, सिलेंड्रिकल और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इसका, बॉडी इसकी स्ट्रक्चरल ट्यूबुलर होती है। माउथ जो होता है अपवर्ड होता है, जैसे मेडुसा हमने देखा कि माउथ और टेंटिकल जो है वो डाउनवर्ड्स हैं, लेकिन पॉलिप में वो अपवर्ड होती हैं, और जो टेंटिकल्स की रिंग ओरल सरफेस पर होती है वो उसमें भी रहती है, इसमें भी रहती है। और इसमें जो मीजोग्लिया है, यानी कि जो जेली लाइक सब्सटेंस है, जो मैट्रिक्स है, वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो नीचे हम डिटेल में स्ट्रक्चर दोनों का देख सकते हैं, कि जो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी दोनों में प्रेजेंट है। ये कॉमन फीचर्स हैं एंडोडर्म, टेंटिकल्स, बेसिलेटस। तो ये डिफरेंसेस इनमें ये हैं कि एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है, एक फ्री स्विमिंग फॉर्म है, ये बेल शेप्ड है, ये ट्यूबुलर है। दोनों के माउथ होते हैं, लेकिन एक का अपवर्ड होता है पॉलिप का, और मेडुसा का डाउनवर्ड्स होता है, और उसमें मीजोग्लिया बहुत ज़्यादा होता है मेडुसा फॉर्म में, और पॉलिप फॉर्म में जो मीजोग्लिया है उसकी मात्रा बहुत कम होती है।
अगर हम दोनों का जनरल बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो सारे निगेरियन जितने भी होते हैं उनमें जो होता है जो कॉमन फीचर है वो ये है कि जो सैक होता है उसमें एक जीवीसी यानी कि जो गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी है, सेंट्रल गैस्ट्रिक कंपार्टमेंट होता है इसमें एक, वो होता ही होता है दोनों फॉर्म में, और एक माउथ दोनों में होगा ही होगा, एक ओपनिंग होगी जिसको कि हम माउथ भी कह सकते हैं और एनएस भी, क्योंकि दोनों के दोनों काम उसी ओपनिंग से होते हैं। तो हालांकि वो जो पॉलिप में है वो अपसाइड होता है और मेडुसा में वो डाउन साइड होता है, और रिंग ऑफ टेंटिकल्स ऑन ओरल सरफेस दोनों में मिलेंगी मिलेंगी आपको। इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम होता है वो इसमें कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता और ना ही कोई ब्रेन नेट होता है, कोई ब्रेन होता है, लेकिन इसमें एक नर्व नेट पाया जाता है। सेंस ऑर्गन्स अगर देखें तो इसमें ऑसिली प्रेजेंट होती हैं और स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होती हैं। जो स्टेटोसिस्ट होती हैं वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए यूज होती हैं, और ऑसिली जो होती हैं वो फोटो सेंसिटिव होती हैं। और स्केलेटल सिस्टम देखें तो मेसोग्लिया जो होता है वो काम करता है और बॉडी को एक स्केलेटल स्ट्रक्चर प्रदान करता है, लेकिन स्पॉन्जी स्ट्रक्चर जैसा मान लीजिए उसको, जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो। और जो जीबीसी में जो गैस्ट्रोस्कुलर कैविटी है उसमें जो वाटर होता है वो एक हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की तरह काम करता है, और कुछ इसमें एक्सटर्नल स्केलेटल सिस्टम भी पाया जा सकता है किसी किसी फॉर्म में। प्रिडेशन की बात करते हैं कि ये कैसे प्रिडेट करते हैं, कैसे ये लोग खाना वाना खाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो टेंटिकल्स होते हैं वो प्रे को पकड़ती हैं, और प्रे पकड़ने के बाद वो प्रे को अपने जो ओपनिंग है ओपनिंग में डालती हैं, और वहाँ से फिर वो अंदर डाइजेस्ट वो इंजे उसको अंदर लेते हैं और वो सीधा जीवीसी यानी कि आपको गैस्ट्रोएस्कुलर कैविटी में जाता है, जहाँ पर कि इंटरनल और एक्सटर्नल डाइजेशन उस प्रे का हो जाता है। और तो जैसे मैंने आपको बताया सारे नाइटेरियंस जो होते हैं सिलेंट्रेट्स होते हैं, कार्निवोर होते हैं वो, और उसके बाद जो टेंटिकल्स होते हैं उनके पास स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिसको हम नीडोब्लास्ट कहते हैं, और या नीडोसाइट्स भी कह देंगे, और निमेटोसिस्ट जो भी स्टिंगिंग कैप्सूल्स होती हैं उसके अंदर, इसको निमेटोसिस्ट कहते हैं। अगर इस निमेटोसिस्ट जो होता है ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नाइजेरियंस का। अगर इसको हम डिटेल में देखेंगे कि स्टिंगिंग ऑर्गन्स कैसे होते हैं ऑर्गेनाइज, तो ये एक स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो आउटर एपिडर्मिस में लोकेटेड होते हैं आपके नेडोसाइट्स, और ये आपके प्रे कैप्चर में आपको मदद करते हैं, एनहेंस करते हैं उनका। और एक नेडोसाइट जो होता है वो मॉडिफाइड सीलियम होता है जिसको कि नेडोसिल कहते हैं, और इसके अंदर स्टिंगिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम निमेटोसिस्ट कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो निमेटोसिस्ट होता है वो बेसिकली स्ट्रिंगिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक कॉइल या थ्रेड रूमा स्ट्रक्चर जो होता है वो उसके कॉइलिंग होती है उसकी निमेटोसिस्ट की, और इसमें एक ट्रिगर भी होता है। जब वो ट्रिगर दबता है या जब वो अनकॉइल होता है नीडोसिल तो उस टाइम पर क्या होता है वो थ्रेड स्ट्रेट खुल जाता है और वो जितने भी प्रे है उसको अटैक करता है, जिससे कि वो या तो कीमो सेंसेशन या फिर उसको पैरालिसिस कर देगा या उसको किल भी कर सकता है प्रे को। इस टाइप के वो केमिकल्स उसमें इंजेक्ट कर देता है एनिमल में जो प्रे में, और एक हार्पून लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें पैरालाइजिंग, उसमें बेसिकली टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण कि ये निमेटोसिस्ट प्रे को पकड़ने में या उसको पैरालाइज करने में ये मदद करता है निगेरियंस में। तो इसका अगर डिटेल में अगर मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं इसकी फंक्शनिंग कैसे ये काम करता है, तो आप देख सकते हैं कि ये एज ए वेपन काम कर रहा है, कि इसमें एक ट्रिगर लगा हुआ है टेंटिकल्स में, आप देखें डिटेल में फिर, और उसको ब्रॉड करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर आपको एक निमेटोसिस्ट आपको दिख जाएगा वहाँ पर, और उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें एक ट्रिगर भी है, और जब वो डिस्चार्ज होता है तो पूरा थ्रेड तो निमेटोसाइट उसमें से आता है और वो प्रे को अटैक करता है। तो इस तरीके से ये फंक्शनिंग करता है, और ये न्यूमरस होते हैं, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं पूरे टेंटिकल में। डाइजेशन जो होता है क्योंकि ये कार्निवोर है तो एक ही डाइजेस्टिव ओपनिंग है इसके अंदर, फूड जो है वो जीवीसी के अंदर गया, उसके बाद उसमें एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, एंजाइम्स जो होते हैं वो जीवीसी के अंदर ही सिक्रेट हो जाते हैं, और
इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसमें तकरीबन नहीं कि बराबर होता है, पार्शियली होता है। जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो एंडोडर्म जो सेल है वो क्या करते हैं, उसको एनगल्फ कर लेते हैं और इस तरीके से उनको न्यूट्रिशन मिलता है। तो डाइजेशन पूरा कंप्लीट तो डाइजेशन नहीं है इनके पास, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन ये बहुत इंटरेस्टिंग है इनका रिप्रोडक्शन, अगर देखेंगे इसमें कि अलग अलग फॉर्म क्योंकि इसमें पाया जाता है, तो हाइड्रा में और एनिमोन्स में, कोरल्स में, अलग अलग जीव में अलग अलग टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें पाया जाता है, जैसे कि जो पॉलीफॉर्म होते हैं उनमें बर्डिंग और रिजनरेशन हो सकती है कहीं कहीं पर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो तब होता है जब पूरी कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं, और कंडीशंस अगर गुड होंगी, अगर फेवरेबल होंगी, तो उस टाइम पर आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जायगोट फॉर्मेशन होती है, वो तब तक डॉर्मेंट रहता है जब तक कि कंडीशंस इंप्रूव नहीं आती और फेवरेबल कंडीशंस नहीं बन जाती हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे देखते हैं इसमें कि दोनों टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाई जाती है। अगर हम एक टिपिकल मान लीजिए ओबिलिया की लाइफ साइकिल देखें, कि एक टिपिकल सिलेंट्रेट की लाइफ साइकिल देखें कैसी होती है, तो हम देखते हैं कि जो फीमेल जो फुली डेवलप्ड पॉलीफॉर्म है उसमें से पहले एक फीमेल मेडुसा रिलीज होती है जो एग देती है, और जो मेल मेडुसा है वहाँ से वो स्पर्म्स देते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें, तो जब ये जायगोट बनाते हैं फ्यूज होने के बाद, तो फिर वो जायगोट जो है धीरे धीरे उसका डिफ्रेंशिएशन होता है और ब्लास्टुला बनाता है, और उसके बाद फिर वो फ्री स्विमिंग प्लैनुला लार्वा बनाता है। तो प्लैनुला लार्वा इसका एक इसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें प्लैनुला लार्वा एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और उसके बाद जब ये प्लैनुला लार्वा कहीं पर सेटल डाउन हो जाता है, तो ये एक यंग पॉलिप बनाता है जो डेवलप होने के बाद एक फुल्ली डेवलप पॉलिप बनता है, और दोबारा से फिर वो मेल और फीमेल मेडुसा को रिलीज कर सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ फॉर्म भी हो रहा है उनका, लाइफ फॉर्म या फिर आप स्ट्रक्चर कहें, मॉर्फोलॉजिकल जो फॉर्म्स हैं उनका अल्टरेशन भी हो रहा है, यानी कि वो एक दूसरे में बदल भी रहे हैं। कभी पॉलिप से मेडुसा आ रहा है, तो कभी मेडुसा से पॉलिप बन रहा है। तो इस तरीके से वो साइकिल में चलते हैं, और ये डिपेंड करता है कि ये किस टाइप का कंडीशंस उनकी हैं, फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, तो उसके हिसाब से ही इनका रिप्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन की, कि अगर बेसिकली हम इसका क्लासिफिकेशन देखें, तो जो एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम सिलेंट्रेटा है या निडेरिया है, उसको बेसिकली हम चार क्लासों में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहली क्लास होती है उसको हाइड्रोजोआ कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपका हाइड्रा है। इसके अंदर आपके दो जीनस आते हैं, ओबिलिया और फाइसिलिया, और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ये। बिल्कुल एक पुर्तगीज आदमी जो युद्ध में जा रहा है उसकी टोपी की तरह दिखता है ये, इसलिए इसका नाम पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर पड़ा है। और दूसरा है क्लास स्काइफोजोआ, जिसमें ऑरेलिया आता है, जिसमें कॉमन जेली फिशेज आपकी जितनी भी हैं वो सारी की सारी आपकी स्काइफोजोआ क्लास में आती हैं। फिर क्यूबोजोआ है, जिसको ऑस्ट्रेलियन बॉक्स जेली फिश कहते हैं। और उसके बाद जो आखिरी क्लास है वो एंथ्रोजोआ है, जिसमें जीनस मेट्रिडियम आता है, जिसमें सी एनिमून और कोरल्स आपके सारे के सारे आ जाते हैं। तो एक एक क्लास करके हम देखते हैं कि इनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर हैं। तो जो पहली क्लास है हमारी निगेलियंस की या सिलेंट्रेट्स की, वो है एंथ्रोजोआ, जो कोरल और सी एनिमून्स की आती है। ये सारे के सारे मराइन होते हैं, यानी कि समुद्री जीव होते हैं सारे के सारे, और पॉलीफॉर्म होते हैं। मेडुसा पॉलिप जैसे मैंने आपको बताया दो फॉर्म होते हैं, और पॉलिप जो सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है, तो ये पॉलिप फॉर्म होते हैं। दे आर सोलिटरी और कॉलोनियल, या तो अकेले रह सकते हैं या ये कॉलोनीज में भी पाए जा सकते हैं। और जो इनकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, यानी कि जीवीसी होती है, उसमें एक वर्टिकल सेप्टा होता है, जिसको कि हम मेजेंट्री कह देते हैं या मेजेंट्रीज कह देते हैं। और इनको हम बेसिकली कोरल कहते हैं, नॉर्मली इनको हम कोरल्स कह देते हैं एंथ्रोजोआ को। कुछ और इनके अगर फीचर हम देखें, तो कोरल का मतलब जैसे कि फ्लावर होता है, तो फ्लावर का जब स्ट्रक्चर होता है इनका, मेडुसा स्टेज एंटायरली लैकिंग होता है, सिर्फ पॉलिप फॉर्म होता है इनका। और जो माउथ होता है उसमें एक ट्यूबुलर फाइनिक्स होता है, और जो कि गट की तरफ को अंदर की तरफ को जाता है, और लार्ज गट कैविटी
होती है जो कि डिवाइडेड होती है मेजेंट्रीज में के द्वारा, और जो कि रेडिएट होती है इनवर्ड्स अंदर की साइड को, बॉडी वॉल से अंदर की साइड को वो रेडिएट होती है आपकी। और जो गोनाड्स होते हैं वो एंडोडर्मल होते हैं और दे आर बॉर्न ऑन मेजेंट्रीज। और हेक्सामेरस 6 पार्ट या फिर 8 पार्ट की रेडियल सिमेट्री इनकी होती है, इनकी बॉडी को हम 6 या 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और बाई रेडियल सिमेट्री भी कभी कभी पाई जा सकती है इनमें। और इसमें जो एग्जाम्पल हैं वो सी एनिमोन्स हैं आपके, ट्रू स्टोनी कोरल्स हैं, सी फैंस हैं, सी पेंस हैं, और ऑर्गन पाइप कोरल्स हैं, प्रीशियस ब्लैक कोरल्स हैं, और जोनाथिड्स हैं। ये सब एग्जाम्पल आपके एंथ्रोजोआ के हैं। इनमें एक बहुत बढ़िया चीज़ ये है कि ये बहुत बढ़िया म्यूचुअलिज्म भी दिखा देते हैं। जैसे सी एनिमोन्स समटाइम्स हार्बर ज्वेंथली फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट लाइक हार्ड कोरल्स टू। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ क्रैब्स भी होते हैं जो अपने सेल्स को एनिमोन से डेकोरेट कर लेते हैं। तो म्यूचुअलिज्म बहुत अच्छा दिखाते हैं ये म्यूचुअल उसमें ऑर्गेनिज्म के साथ समुद्र में। और कुछ डेम सेल्फिश या एनिमोन फिशेस होती हैं जो एसोसिएशन फॉर्म करती हैं बहुत से एनिमोन्स के साथ, और फिशेस गेन प्रोटेक्शन फ्रॉम लिविंग इन द एनिमोन। और मछलियों को ये फ़ायदा है कि उनको प्रोटेक्शन मिलती है, और मछलियाँ जो होती हैं एनिमोन के वेंटिलेशन में और इसको सेडिमेंट से फ्री रखने में इनकी मदद करती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि म्यूचुअल रिलेशनशिप दोनों के अंदर सी एनिमोन एनिमोन्स में और ये फिशेस में, एनिमोन फिशेस में पाया जाता है। और इसके अलावा ब्लैक कोरल्स और वाइट कोरल्स, ये अलग अलग किस्म के इसके कोरल्स के टाइप हो सकते हैं। ये ट्रू स्टोनी कोरल्स हैं, अलग अलग टाइप आप देखते हैं, लोब फिंगर कोरल, मशरूम कोरल, पोटेस फ्रस। तो उसके बाद हम दूसरे वाले क्लास में आते हैं, हाइड्रोजोआ, जो कि फ्रेश वाटर फॉर्म होते हैं ज़्यादातर हाइड्रा, और मराइन फॉर्म भी होते हैं जिसमें फायर कोरल्स हम लोग कह देते हैं। और इसके अलावा इसमें स्टिंगिंग लेमू और पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर इसके बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हैं। इसके जो बेसिक फीचर्स वो ये हैं कि जो बेसल डिस्क होती है वो बॉटम में होती है जिसमें 6 से 10 टेंटिकल्स होते हैं। हाइपोस्टोम होता है जो रेज एरिया अराउंड दी माउथ होता है, उसको हाइपोस्टोम कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। 8 स्मॉल क्रस्टेशियंस, छोटे छोटे क्रस्टेशियंस को खाते हैं, इंसेक्ट्स के लार्वा को और टिन्नी जो कीड़े मकोड़े जो वॉर्म्स मिलते हैं उनको ये लोग खाते हैं। और हाइड्रा बेसिकली मतलब होता है वाटर सरपेंट। पॉलिप और मेडुसा स्टेज दोनों के दोनों इसमें पाए जा सकते हैं, हालांकि जो पॉलिप स्टेज है वो डोमिनेंट होता है, वो ज़्यादा पाया जाता है इसमें। गट कैविटी जो होती है वो पॉलीफॉर्म की बहुत ही सिंपल होती है, और उसमें फेनिक्स नहीं होता है जैसे हमने पिछले वाले क्लास में देखा था। और ये मेजेंट्रीज के द्वारा डिवाइडेड भी नहीं होती है जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था। तो इस तरीके से ये उस क्लास से बिल्कुल अलग है। टेट्रामेरस होता है, 4 पार्ट रेडियल सिमेट्री होती है, उसमें 6 और 8 पार्ट था। गोनेड्स आर एक्टोडर्मल की एपिडेरिस से पाए जाते हैं। मेडुसा स्टेज में पोजेस स्पेशलाइज बैलेंस ऑर्गन्स कॉल्ड स्टैटोसिस, जैसे मैंने सेंस ऑर्गन में आपको बताया था कि इसमें स्टैटोसिस्ट हो सकते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं, और ओसिली जो होते हैं वो फोटो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, वो भी इसमें पाए जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मेडूसा फॉर्म में होंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। सोलिटरी और कॉलोनियल दोनों हो सकते हैं, ये या तो अकेले रहने वाले या कॉलोनी में रहने वाले। और कुछ कॉलोनियल फॉर्म जो होते हैं वो हाईली पॉलीमॉर्फिक होते हैं, और इसमें इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है हाइड्रोइड्स, स्टिंगिंग लेमू, फायर कोरल्स, पिंक कोरल्स और शिफोनोफोर्स, ये कुछ इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया सोलिटरी और कॉलोनियल दोनों होते हैं। सोलिटरी हाइड्राज की बात करते हैं कि ये फ्रेश वाटर हाइड्रा, ये फ्रेश वाटर हाइड्रा होते हैं जो पॉन्ड्स में आपको जनरली या स्ट्रीम्स में आपको जनरली मिल जाते हैं। और ज़्यादातर जितने भी ये सॉल्ट्री फ्रेश वाटर हाइड्रा होते हैं इनमें एक पेटल डिस्क होती है, माउथ होता है, हाइपोस्टोम होता है, जिसको कि 6 से 10 टेंटिकल्स सराउंडिंग इसके होती हैं। और जो माउथ जो अंदर बॉडी के अंदर ओपन होता है वो गैस्ट्रो एस्पिरल कैविटी के अंदर ओपन होता है। लाइफ साइकिल बहुत ही इनके सिंपल होती है। जो उनके एग हैं और स्पर्म हैं वो पानी में छोड़ दिए जाते हैं,
और उसके बाद वो जब जायगोट बनाते हैं और फिर प्लेनुला लार्वा बनाते हैं, और प्लेनुला फिर कहीं पर जाकर जैसे मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले लाइफ साइकिल में कि वो सेटल होगा और फिर वो दोबारा से आपका पॉलीफॉर्म बनाएगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा भी ये होती है, जैसे आपने हाइड्रा में बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपने देखा ही होगा कि कहीं पर अगर एक बड अलग कर दे तो वहाँ पर एक नया बड बन जाता है। कॉरलिनियर हाइड्रोजोन्स जो होती हैं ये इनमें एक स्केलेटन जो होता है वो काइटिन का बना होता है, और जो कि एपिडर्मिस के द्वारा सिक्रेट होता है, और ज़्यादातर ये पॉलिप्स होती हैं, और जो पॉलिप्स होती हैं वो ज़्यादातर इंटरकनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, और टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कम्प्रोमाइज द कॉलोनी। दो किस्म के इंडिविजुअल होते हैं जो ये कॉलोनी को बनाते हैं, पहले वो कहते हैं गैस्ट्रोजोइड्स, और दूसरे जो कि गैस्ट्रोजोइड्स जो होते हैं वो फीडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और दूसरे जो होते हैं गोनोजोइड्स। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो ए है वो जो सॉरी सी है वो आपका गैस्ट्रोजोइड्स है, और जो आपका बी है वो गोनोजोइड्स है आपका। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दो प्रकार की कॉलोनियाँ मिलकर एक सिंगल कॉलोनी बनाती हैं ये, इसके लिए इसको कॉलोनियल हाइड्रोजोन्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसका ओविलिया है। अब हाइड्रोजोन कॉलोनीज का एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। स्टिंगिंग लेम्बू जैसे मैंने आपको दिखाया, हाइड्रोजोन मेडूसा है ये हाइड्रोकोरल्स हैं। अब अगली वाले क्लास में आते हैं स्काइफोजोआ, जिनको हम ट्रू जेलीफिशेस कहते हैं। ये सारे के सारे मैराइन होती हैं, जेलीफिशेस दिखने में बहुत सुंदर होती हैं। इनके अगर हम करेक्टर्स देखें, स्काइफोज का मतलब होता है कप शेप में, तो स्काइफोजोआ मतलब कप की तरह जो जेलीफिशेस हैं उनको हम स्काइफोजोआ में रख लेते हैं। और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें दोनों पॉलिप और मेडुसा फॉर्म होती है, लेकिन जो मेडुसा फॉर्म होती है वो डोमिनेंट होती है, और जो पॉलिप फॉर्म होती है या तो बहुत ही कम होती है या अब्सेंट ही होती है बहुत बार। पॉलिप फॉर्म जो है, जो पॉलिप स्टेज है स्काइफिस्टोमा में, वो स्ट्रोबलाइजेशन के माध्यम से जाती है, यानी कि वो यंग मेडुसा को पहले बनाते हैं और उसके बाद वो पॉलिप फॉर्म बनता है। बेल मार्जिन जो होता है उसमें वेलम एब्सेंट होता है। वेलम क्या होता है, एक जो कैविटी को कवर करने के लिए बाहर पे एक और मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन को कवर करने के लिए कोई और मेम्ब्रेन, तो उसको हम वेलम कह देते हैं। तो जो वेलम की जो मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है इसमें, और जो इनकी जो बॉडी है उसकी सिमेट्री जो है वो टेट्रामेरस होती है, यानी कि चार पार्ट्स में रेडियल सिमेट्री होती है इसकी। गढ़ जो होता है उसको हम दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रेडियल कैनाल्स, और जो कुछ सिंपल सिंगल माउथ होता है इसके पास जो कि इनलेट और आउटलेट दोनों के लिए यूज होता है, और बहुत सारे हो सकता है। अगर आप माइक्रोस्कोपिक इसका स्ट्रक्चर देखें कि जो ओरल आर्म है, ओरल आर्म के आसपास तकरीबन हजारों माउथ जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिख जाएंगे। गोनाड जो होते हैं एंडोडर्मल होते हैं, जो गैस्ट्रोडर्मिस में पाए जाते हैं। स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम रोफेलिया कहते हैं, जिसमें ओसीली और स्टेटोसिस्ट भी होती है, और इंक्लूड्स तकरीबन 200 मैराइन स्पीशीज इसमें इंक्लूडेड हैं, और ट्रू जेलीफिशेस इनको हम जली सी जली जिनको हम कहते हैं। इसकी अगर आप लाइफ साइकिल एक टिपिकल लाइफ साइकिल देख लें तो जो मेडूसा फॉर्म है वो प्लेनुला लार्वा बनाता है, फिर वो पॉलिप बनाता है, फिर बडिंग पॉलिप बनाता है, फिर दोबारा से इफायरा बनेगा, इफायरा से फिर मेडूसा बनेगा। तो इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल चलती है, जिसमें कि स्ट्रोबिला और स्काइफोस्टोमा की फॉर्मेशन होती है। ये इसका टिपिकल लाइफ साइकिल है। इसके कुछ एग्जांपल अगर हम देखें तो सी जेलीज देख सकते हैं, कितने सुंदर प्राणी हैं ये समुंदर में। और इसके बाद हम आते हैं चौथी क्लास में, इसका नाम है क्यूबोजोआ, जिनको हम बॉक्स जेलीज या सी बेस भी कहते हैं। ये भी सारे के सारे मराइन होते हैं, और इनके अगर कुछ कैरेक्टर्स हम देखें तो काइबोस ग्रीक में मतलब होता है क्यूब की तरह, तो ये क्यूबॉइडल शेप में होते हैं, इसलिए इसको क्यूबोजोआ कह देते हैं। पॉलिप और मेडुसा दोनों स्टेजेस में पाई जाती हैं, लेकिन जो मेडुसा होती है वो डोमिनेंट होती है पॉलिप के मुकाबले। पॉलिप हो सकता है बहुत ही रिड्यूस्ड हो गई हो, उसमें पॉलिप डायरेक्टली मेडुसा बनाती है, और जो बेल की मार्जिन होती है उसमें वेलेरिन होती है, मेम्ब्रेन बॉडी कैविटी जिसमें मैंने आपको बताया था वेलेरिन की कैविटी वो मार्जिन होती है, और बॉडी जो होती है वो रेडियल सिमेट्री टेट्रामेरस होती है, यानी कि चार पार्ट्स में आपको उस रेडियल को डिवाइड कर सकते हैं।
बॉडी पूरी बेल क्यूब शेप होती है और टेंटिकल्स जो होते हैं वो हर एक कॉर्नर से राइज करते हैं। गोनाड जो होते हैं एंडोडर्मल होते हैं, यानी कि गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर पाया जाता है, और स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम प्रोपेलिया कहते हैं, जिसमें ओशली और स्टेटोसिस्ट होते हैं, और तकरीबन 15 मराइन स्पीसीज इसमें इंक्लूडेड हैं, और इसमें बॉक्स जेलीज और सी बैस भी इंक्लूडेड हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कुछ, तो कुछ अगर हम इनकी पिक्चर्स देख लें तो हम देखेंगे कि ये बॉक्स जेलीज हैं, ये सी बैस हैं, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं वेलेरियम आपको दिख रहा है यहाँ पिक्चर में, और रोफेलियम भी दिख रहा है आपको, और पेडेलियम भी दिख रहा है। तो इस तरह से डिटेल इसके स्ट्रक्चर्स हैं। इसकी लाइफ साइकिल अगर ओबिलिया की हम कॉमन देख ले, जैसे हमने एक बार पहले भी देख चुके हैं कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो साइकिल है वो चलती है। इसमें एक पांचवी क्लास स्टोरोज़ोआ भी प्रपोज हुई है अभी हाल में ही, और इसमें कोई भी मेडुसा फॉर्म नहीं होती, लेकिन पॉलिप फॉर्म होती है, और जिसमें कि पॉलिप जो होता है वो एक मेडुसा लाइक रीजन के ऊपर बैठा होता है, तो इसको हम स्ट्रेटोजोआ कह देते हैं। इसके जो कॉमन अगर हम फीचर्स भी इसके देखें तो इसको हम स्टोरो मेडुसन्स भी कह देते हैं, और कोई मेडुसा की स्टेज नहीं होती इसके अंदर। सोलिटरी पॉलिप होते हैं जो कि स्टॉक्ड होता है पॉलिप बॉडी इनकी, और एक एडिसिव डिस्क होती है इनके पास, जिससे कि ये अपने आप को किसी सी वीड्स में या कोई सी बॉटम में किसी ऑब्जेक्ट में ये अपने आप को चिपका लेते हैं, और पॉलिप टॉप रिजेंबल्स और मेडुसा की तरह ये दिखते हैं, और 8 एक्सटेंशंस इनके होते हैं, आर्म्स होते हैं इनके, जिनके बाहर आपके टेंटिकल्स आपको आराम से पिक्चर में आप देख सकते हैं, बहुत से टेंटिकल्स इसमें क्लस्टर के रूप में होते हैं, और उसके बाद ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा जो क्लासिफिकेशन है निडेरिया का, तो निडेरियंस में हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजोन है, क्यूबोजोन्स हैं, स्काइफोजोआ है, और स्ट्राटोजोआ है, और एंथ्रोजोआ है। इस तरीके से हम इसको कुल मिला के 5 सब क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फिर ये कुछ फीचर्स हैं कि ये अलग अलग एक दूसरे से कैसे होते हैं, और किस प्रकार से ये एक दूसरे से अलग हैं, ये इसके लिए चार्ट है। अब बात करते हैं कोरल रीफ्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं कोरल रीफ्स हमारे लिए, क्योंकि कोरल रीफ्स न केवल बहुत सी दवाइयाँ बनाने में यूज होता है, बल्कि कोरल रीफ्स का उपयोग आपका जो सी का शोर है उसको बड़े बड़े लहरों से और इरोजन से बचाने के लिए भी इनका यूज़ होता है। इसके बहुत सारे यूज़ हैं। ये बहुत से फिशेस को और उनको हैबिटेट भी प्रदान करता है। तो इस तरीके से कोरल रीफ्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए, और ये हमारे इकोसिस्टम की जो अर्थ इकोसिस्टम है या जो डाइवर्स इकोसिस्टम है पृथ्वी में, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट है, और ये बेसिकली शैलो ट्रॉपिकल सीज में पाया जाता है, और इनको गर्म पानी चाहिए होता है, थोड़ा सा वार्म वाटर चाहिए होता है अपने सर्वाइवल के लिए, और इसके अलावा इनको सनलाइट भी चाहिए होती है सिम्बायोटिक जो है उसके लिए, रिलेशनशिप के लिए अपने। तो अगर हम किसी भी कोरल लीफ का मेन स्ट्रक्चर देखें तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो कि हर्मेटैपिक या रीफ बिल्डिंग कोरल्स के द्वारा सिक्रेट होता है, और जो एक और इसके अलावा ये कोरलाइन एल्गे के द्वारा भी सिक्रेट होता है, और ऑक्टोकोलाइन कोरल्स एंड सम हाइड्रोजोन्स दो जोन फायर कोरल्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेसिकली हम देखते हैं कि कोरल लीफ जो होती हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये कोरल लीव्स जो होती हैं ये अनेक प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला प्रकार जो होता है वो फ्रिंजिंग रीफ का होता है, जो कि जो लैंड मासेस होती हैं उनके आसपास, और ये फ्रिंजिंग रीफ्स होती हैं जिनके आसपास कोई भी लैगून नहीं होता, और या फिर बहुत ही एक छोटा पतला लैगून होता है। और अगला अगर हम टाइप देखें तो वो है बैरियर रीफ। बैरियर रीफ क्या करती है, बैरियर की तरह फॉर्म करती है, और ये पैसोर जो आपका किनारा होता है उसके पैरल में चलती है, और ये बहुत ही वाइड और डीप लैगून्स इसमें पाई जाती हैं। अगला टाइप है एटोल्स रीफ्स, जिसमें कि जो एक किसी पानी के वाटर बॉडी को एनसर्कल कर लेती हैं और एक लैगून को एनसर्कल कर लेती हैं, लेकिन किसी आइलैंड के चारों ओर हो
आइलैंड को नहीं करती है। तो इस तरह की जो गोल आप देख सकते हैं, गोल तालाब जैसा बना हुआ है पानी का, और उसके चारों ओर आपका जो गोल तालाब जैसे उसको लेगुन कहते हैं, उसके चारों ओर जो रीफ है तो इसको हम एटॉल रीफ कह देते हैं। इसके अलावा पैच रीफ, पैच रीफ में क्या होगा, पैचेस के रूप में लेगुन जो है वो फैला हुआ है, और पैचेस के रूप में आप उसको देख सकते हैं कि जो रीफ हैं वो हैं। तो कोरल रीफ क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे, कोरल रीफ जो होता है वो हमारे को बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे वो टूरिज्म और रिक्रिएशन के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होती हैं आपके टूरिज्म की इनकम की। इसके अलावा बहुत सी मेडिसिंस ऐसी हैं जो हमको कोरल रीफ से मिलती हैं, ये कोस्ट की प्रोडक्शन करती हैं जो नेचुरल वेव्स हैं, और उनसे बचने के लिए बैरियर की तरह इस्तेमाल करते हैं इसको, इस्तेमाल होता है ये नेचुरली, और प्रोटेक्ट कोस्टल कम्युनिटीज एंड बीचेस फ्रॉम स्टॉर्म डैमेज, जो भी डैमेजेस जो मतलब बड़ी बड़ी लहरों से आपके जो नुकसान हो रहा है उससे बचने के लिए एक बैरियर की तरह काम करता है। इसके अलावा जो जो फूड और फिशिंग है उसके लिए भी कोरल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और तकरीबन 1 बिलियन पीपल जो होते हैं उन पीपल लोगों को ये प्रोटीन प्रदान करता है पूरी दुनिया भर में। और इसके अलावा ये हैबिटेट है या होम है तकरीबन 25% सारे जितने भी मराइन लाइफ हैं उनके लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट ये कोरल रीफ हमारे होते हैं, और अगर कोरल रीफ्स जो होते हैं सिलेंट्रेट्स के अंदर आए, और अगर इनको इन पर कोई विनाश का बादल, कोई विनाश के बादल इन पर मंडराते हैं, तो इतने सारे जीव जंतुओं को भी इससे नुकसान होगा। अगर भारत में हम देखें कोरल रीफ कहाँ कहाँ पर है, तो हम देखते हैं कि अंडमान निकोबार में, गल्फ ऑफ मन्नार में, लक्षद्वीप में, मालदीव्स में, सॉरी मलयन कोस्ट पे, और गल्फ ऑफ कच्छ में ये हमको कोरल रीफ्स पाए जाते हैं हमारे इंडिया में। इसके अलावा जो रेडिटा जो उसमें एक और फाइलम आती है टीनोफोरा, जो हमारे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन हम इसको एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये टीनोफोरा है क्या। ये कॉम ब्लैक जेलीज होती हैं, बहुत से टैक्सोनॉमिस्ट इसको आपके सिलेंट्रेट्स में मिला लेते हैं, लेकिन ये सिलेंट्रेटा नहीं है, टीनोफोरा अलग से एक फाइलम है, और इसमें कोई भी नेमेटोसिस्ट नहीं होती है, तो नेटेरियंस में आने का कोई सवाल नहीं है। तो इसी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे नेटेरियंस में होती है, मोस्टली फ्रीली स्विमिंग होती हैं ये। और इसके अलावा अगर आप देखें तो उनके सिलिकेट कॉम प्लेट्स होती हैं जिसको ये स्विमिंग के लिए यूज करती हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्विमर्स तो नहीं होते हैं लेकिन स्विमिंग करते हैं, फ्री स्विमिंग करते हैं। टीनोफोर्स आर बायोल्यूमिनेसेंट, यानी कि ये चमकदार होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, और स्टेटोसिस्ट सेंस ऑर्गन्स इनमें पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो हमारी फाइलम है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़रूरी फाइलम हमने आज पढ़ी। तो बच्चों धन्यवाद।